सीमा विवाद पर हुई बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा द्विपक्षीय संधि के अनुसार दोनों पक्ष शांतिपूर्वक हल करने के लिए सहमत हुए। कल से लॉकडाउन एक के तहत खुलेंगे शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल। झारखंड सरकार का फैसला, लॉकडाउन एक में नहीं खोले जाएंगे धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल और बड़े प्रतिष्ठान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा सरकारी नौकरी के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन सीईटी आयोजित होने से आवेदनकर्ताओं की मुश्किल हुई आसान। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा देश भर में लागू पूर्ण तालाबंदी के बावजूद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियां जिम्मेवार। एम्स के निदेशक का दावा दिल्ली और मुंबई है हॉटस्पॉट, यहां शुरू हो गया कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,46,000 से अधिक हुई, 1,00,000 से अधिक ठीक भी हुए। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल को कथित रूप से कोविड 19 जांच के लिए नमूने लेते वक्त RT-PCR ऐप का इस्तेमाल नहीं करने पर मामला दर्ज। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू, कांग्रेस और भाजपा ने विधायकों को सुरक्षित जगह पर भेजना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कानून के खिलाफ काम करने वालों को कीमत चुकानी होगी। लॉकडाउन के दौरान जम्मू में फंसे उड़ीसा के 500 से 600 लोग पहले ही ट्रेन से अपने गृह राज्य जा चुके हैं। निजी अस्पताल में बिल जमा नहीं करने पर मरीज को पलंग से बांधा, शिवराज सिंह चौहान बोले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी के इनपुट मिलने के बाद शोपियां के रेवन गांव को घेर लिया है और तलाशी अभियान शुरू किया है। बिहार में रालोसपा के आक्रोश मार्च में लाठीचार्ज, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा अस्पताल में भर्ती। इस बार 14 दिनों की होगी बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा, कोविड 19 की जांच कराना जरूरी किया गया। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। सब कोई अंदर रहता है। Stay home, stay safe, Asian Paints. Here's to those who get out of bed looking hopeful, looking ahead, like you girl in that lipstick so red. Long live bold, Ajio and over 2,000 fashion brands salute your